हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज घर में हमारा लास्ट डे है, तो हम जा रहे हैं आज इस घर को छोड़ के। तो वह सब सुबह की तैयारी कर रही हूँ मैं फटाफट से। रोनी को स्कूल जाना है अभी। अब हम इस घर को खाली करने वाले हैं, ऑलमोस्ट खाली हो गया है। रोनी भी जा रहा है स्कूल। रोनी, अब जब घर आओगे पूरा घर खाली, हम नए घर में चले जाएंगे। हो ही गया, अभी तो रखना है, बाकी तो ऐसे हो ही गया, मोटा मोटा रह गया। बहुत कम डेज हैं शिफ्ट होने के लिए। कम डेज हैं, कुछ घंटे हैं, डेज नहीं हैं। घंटे? जब आप स्कूल से आओगे ना, तो आप सीधा नए घर में आओगे, तब तक सारा सामान हो जाएगा, है ना? तब तक हो ही जाएगा ना। भारी भारी सामान रह गया रोनी, जो हमारे पास का नहीं, बाकी तो हमने रख ही दिया। नए घर में जाएगा रोनी जो स्कूल से आएगा। न्यू घर में मिलेंगे, ठीक है? रोनी की बस आने वाली है, तो मिष्टू भी उठ गई है। मिष्टू, आज लास्ट डे हमारा, पता है? अभी मिष्टू टीवी देख रही है, पता है, फिर टीवी नहीं चलेगा। तो घर गाइस काफी खाली कर दिया, बहुत सामान रह गया। छोटा मोटा हम खुद से ही कर रहे हैं, बाकी जो भारी सामान है, जो बेड हो गया, अलमीरा हो गई, काफी रह गया अभी। तो करते हैं फटाफट से पैकिंग। काफी घर खाली कर लिया हम लोगों ने, अभी चली रही है, फिर भी हालत खराब हो रही है। ऊपर नीचे, ऊपर का घर है, ऊपर जाने में आफत, सेकंड फ्लोर में चढ़ाना, कि अब छोटा मोटा तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। छोटा मोटा निकालते निकालते बहुत टाइम, क्योंकि मुझे ही कल 10-15 चक्कर लगाए मैंने। आज इनकी हालत हो रही है, आज मैं भी लगा रही हूँ, लेकिन मैं कल से मैं ज्यादा हार गई हिम्मत। ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं, कम ही कर रही हूँ मैं, नीचे का सेट वेट कर रही हूँ, ये भी जा रहा है। आज इनकी हालत हो रही है खराब, अभी दिखाऊंगी मैं, फिर चलेंगे दिखाएंगे घर नया वाला। अभी तो बड़ा बड़ा सामान है, सोफे बेड ये सब के लिए हमने बुलाया है लेबर को। इसमें घर शिफ्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, पहले घर को पैक करो, सारा सामान निकालो, पैक करो, फिर रखो, फिर वहां पे भी जाके सेट करो, ऐसे ही होता है भाई। अब करना तो पड़ेगा, बच्चे भी साथ में हैं, जितना जितना हो पाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे। मेन पहले ये है कि किचन सेट हो जाए, क्योंकि खाना वाना ताकि दिक्कत ना हो किसी की चीज़ की, खाने पीने की। तो पहले मैं किचन ही सेट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि किचन सेट हो जाता तो दिक्कत नहीं होती, फिर बाकी धीरे धीरे होता रहेगा। घर देखो कैसा, सोफा पूरा खोला है, खुल के जाता है सोफा। कैसा मजा आ रहा है सेटिंग करने में? पेट में चले आएगा आपका, हालत हो रही है खराब, ऐसी कल मेरी भी हुई थी। गर्मी अलग हो रही है, किचन भी खाली हो गया है। ये तो मैंने कल पूरा कर दिया, थोड़े बहुत छोड़े थे आज सुबह तक के लिए खाना मान लिया, थोड़े बहुत अब ये रह गया, बाकी सब खाली कर दिया है। सारा साफ है किचन, गंदा कुछ भी नहीं है। बस अब चलेंगे थोड़ी देर बाद, अभी आरओ भी निकालना है फटाफट से, अभी बहुत सारे काम है। इतना दर्द हो गया पैरों में, बाम लगा के, गर्म पट्टी लगा लगा के काम कर रही हूँ मैं, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। आप ही लगा लो बाम पैरों में। मुझे मनाली नहीं जाना, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, बाम लगा के मस्त लग रहा है। आवाज गूंजने लग गई, मशीन चल रही है पीछे से, कपड़े धुल रहे हैं, काफी सामान खाली कर लिया है, ये धोना है अभी। पूरा बेड भरा हुआ, इधर भी उधर भी सेठी भरी पड़ी है, अभी वो खाली करना है। बहुत थकावट हो रही है, आज हालत ऐसी हो रही है, पैर ही काम नहीं कर रहे, बस मजबूरी में ऐसी हो रही है कि कोई अब कुछ नहीं करना, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। जल्दी जल्दी जितनी जल्दी खाली करेंगे उतने लिए मार ले भी होगा सैड, तो फिर धीरे धीरे ही करूंगी, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हुई थी भाई, अब फटाफट पूरे घर जल्दी जल्दी अब करना पड़ेगा। छोटा छोटा सामान जो होता है ना, बेड के अंदर, अलमारी के अंदर, डोरों के, किचन के बर्तन, और इसी में चक्कर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत दुखते हैं पैर। गाइस देखो तो सही, देखो गाइस देखो, मम्मा शिफ्टिंग कर रही है। देखो गाइस कितने सारे बैग हैं, और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, इस कोटली में बहुत सारे कपड़े हैं, और गाइस ये देखो मम्मा क्या कर रही है।
गाइस एक पोटली बना दी मैंने, एक अभी दूसरी बना रही हूँ, बाकी बैग पैक कर दी है। सच में अभी तो उस साइड भी खाली करना है और वो उसमें सेठी को भी खाली करना है, बहुत सामान है गाइस। बहुत ऐसी हालत हो गई ना सच में यार, इतना आसान नहीं है शिफ्ट करना, बहुत मुश्किल। अभी तो मैं ऐसी डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता किस टाइम पे, टाइम ही नहीं है इतना देखने का, तो फटाफट ऐसी डाल के मिक्सअप हो रहे सब कपड़े, सर्दी गर्मी सब, कोई छोटे पे बड़े, बस ऊपर जाके जब टाइम मिलेगा तब होंगे, तब उसमें भी टाइम लगेगा, तो बस भर रहे हैं कि फटाफट से जाए कपड़े, बस वही है। मैं लग गया, मैं ऊपर आ गई हूँ, दिखाती हूँ अभी, घर दिखाती हूँ गाइस। ये हॉल है, ये किचन है, ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, कितना सारा सामान है, सारा हमने खुद से अकेले अपने आप किया है, इतना ऊपर उठा के लाना कोई कम बात नहीं होती, बहुत सारा सामान लाया हम लोग। अभी बालकनी में भी भरी हुई, सब बालकनी में भी सामान भर दिया है, पूरा रूम पूरा सेट करने में भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, जल्दी 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 तो नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि तरीके से सेट सब कुछ मिक्सअप हो चुका है, और गर्मी भी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी, पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत है। ये बैग टांग रखा है, इसे मैंने फ़ोन वोन रखे हुए हैं ताकि फ़ोन इधर से उधर मिस ना हो, फोन चार्जर वगैरह। सोफा आ रहा है हमारा, रानी भी आ गया रानी, अभी घर सेट नहीं हुआ बेटा, चलो चलो अंदर चलो बैठो, शूज उतारो, शूज यहाँ उतार दो बेटा, बाहर उतार, यही बता दो अभी। रानी कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा था ना जब स्कूल छुट्टी होगी आपको तो नहीं, घर में आओगे, कैसा लग रहा है? जाओ कपड़े उतारो और हाथ मुँह धो लो, हाथ मुँह पैर धो के आओ, ठीक है? तोहफा बहुत मुश्किल हो रहा है निकालना, ऐसे जगह ही नहीं है। नहा धो के रेडी हो गया है बेटा, हाँ अभी जुगाड़ चलेगा, अभी सोफा अलग हो रखा है ना बेटा, उसको अगर खोल देंगे रस्सी को नीचे गिर जाएगा वो, हाँ इसलिए अभी ऐसे ही बैठो आप दोनों, अभी कहीं और बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस, क्योंकि पूरा घर अभी फैल गया है। अभी सेट से देखो गाइस, हाँ इस रूम को हमने ज्यादा इसलिए भी फैलाया है ना रोनी, इसलिए बढ़ाया नहीं बेटा, इसलिए फैलाया हमने क्योंकि यहाँ पर अभी बेड लगना है इस रूम में, तो उसको खाली रखना है, यहाँ पर बेड लगवाना है इसलिए इस रूम को खाली रखा था कि बेड लग जाए, इसमें फिर गद्दे वगैरह बिछाएंगे बाद में। ये लोग यहाँ बैठे हैं इनके ऊपर, ये देखो रानी नहाए धोए आप आ जाओ स्कूल से आके, साफ उतरे, डस्ट निकलती पता है वो गद्दों में से, आ जाओ फिर एलर्जी हो जाएगी, जल्दी आ जाओ, खेल नहीं है ये, आ जाओ स्लीपर पहन के रखो रानी, घर गंदा और आज स्लीपर पहन के रखो। मिष्टी को देखो अपने शीनू को लेके बैठी है यहाँ पर, मिष्टू की शीनू, हाय शीनू, पूछो शीनू कैसा लग रहा है नी हाउस में, पूछो शीनू को, पूछा आपने? ये लोग चिता नहीं कर रहे हैं, यहाँ मार नहीं रहे, ढेर कपड़ों के ढेर में जाके जंप मार रहे हैं, रोनी ज्यादा हरकत कर रहा है, रोनी ऐसा फिर सेटिंग नहीं हो पाएगी बेटा, मत फैलाओ पापा गुस्सा करेंगे, पता कितने थक गए पापा मैं सुबह से, पता कितना सामान रोनी, अब जो अंकल लोग आएंगे लोग भारी भारी बेटा पहले से रहें, रोनी ये लड़का ऐसी हरकत करता है, सुनता नहीं है बिल्कुल भी, स्कूल गया था ना तब शांति थी, अब स्कूल से आया है अब मम्मा को अब चिल्लाना पड़ेगा रोनी रोनी। तो फिर साफ करती मैं फटाफट से, ये दोनों इनको चैन ही नहीं है, इसी रूम में भाग रहे हैं बार बार, देखो रोनी गंदे पैर जा रहे हैं, मत करो बेटा, भले नहा के आया ना, डस्ट आ रही पूरे घर में, डस्ट डस्ट हो रखी है मिस्टर, गंदी बात अब नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं लॉक कर दूंगी इस कमरे में, मिस्टर है ना आपको, रोनी सच में स्कूल से आया है ना, यही काम होता है इसका, शैतानी सुनता ही नहीं है, स्कूल फिर से भेज दो रोनी, मैं आपको पापा को बुलाती हूँ, और फिर साफ करने जा रही हूँ, तो उनकी शैतानी चलती रहेगी, बहुत काम है, बहुत हालत खराब हो रही है। अभी कपड़े भी धुले हैं ना मशीन में पड़े हैं फिलहाल, अभी वो मशीन भी ऊपर आ जाएगी, फिर किचन भी सेट करना है अभी, और ये भी आ गए हैं देखो, थक गए हैं बहुत ज्यादा, फिर इसका सामान देखो गाइस, मम्मा कैसे सफाई कर रही है, फिर सेट हो जाएगा ना, अभी तो खाली है। कल तो मम्मा किचन में घंटे घंटे में लगी हुई थी, कर रही थी बहुत सफाई, और आज और गाइस देखो ये रूम कैसा फैला हुआ है,
मुझे तो उसमें जंप करने में मजा आ रहा है। खेल बन गया खेल। गाइस देखो मुझे मजा आ रहा है कपड़ों की देर में जंप मारने में। और गाइस देखो मम्मा कैसे सफाई कर रही है। देखो गाइस मम्मा बर्तन लेकर आ रहे हैं। बर्तन के अंदर ऐसे लेकर आ रहा है। देखो ये लगी हुई है। दो रुपए पट्टियां लगी। यार मम्मा तब भी उठा रहे हो आप इतना बोल रहे हैं। मुझे दे थोड़ा। देखो गाइस मम्मा फिर से लेकर आ रही है। देखो तब भी मम्मा को चैन नहीं है। पापा लेकर आ सकते हैं। ठीक है। सो ऋतु बना रही है चाय नए किचन में फर्स्ट टाइम चाय बन रही है। इलायची लौंग वाली चाय पी के गर्मा गर्म। गर्मी में चाय तो मजा है। दरवाजा खोल दो ठंडी हवा आएगी। और शिपली आ जाएगी। अच्छी चाय तुम्हारी तो पूरा घर फैला है। सब फैला हुआ है अभी। धीरे धीरे साइड हो जाएगा। अभी चाय पीते हैं फटाफट से। तुम सेट कर दिया है फिलहाल। अभी चद्दर ढूंढनी है मेरे लिए। बड़ा टास्क है। वही कहाँ दब गए कपड़ों में। हम कब हो रही पता नहीं चल रहा है। और सेट करने में तो बहुत बड़ा महाभारत है। अभी थोड़ा बहुत तो करना बिना काम किए हो नहीं सकता। करना पड़ेगा। दर सेट नहीं करेंगे तो फैला रहेगा। जितना हो सकता है आज करने की कोशिश करेंगे। ये लोग टीवी देख रहे हैं फिलहाल। उन्होंने अभी जुगाड़ चला दिया। टीवी खाली हो गया है। लास्ट वीडियो घर का पूरा घर हो गया है खाली। ये किचन यहाँ मैं खाना बनाती थी। यहाँ मंदिर हमारा। ये कमरा बच्चों का। तो फाइनली सब खाली कर दिया है हमने। देखो गाइस हो गया है। कुछ भी गंदा नहीं छोड़ा हमने घर में। सारा कूड़ा फेंक के आ गए। तो अब टाइम आ गया घर को छोड़ने का। लास्ट में आ गया है। बाय बाय। मिलेंगे नए वाले घर में जल्दी।